इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। उदयपुर में एक युवक को तीसरी शादी का प्रयास करना महंगा पड़ गया। दरअसल पहली पत्नी के निधन के बाद युवक ने दूसरी शादी की थी। 5 साल बाद दूसरी पत्नी से छिपकर युवक तीसरी शादी करने जा रहा था। इसकी भनक उसकी दूसरी पत्नी को लगते ही उसने हंगामा करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति चोरी छुपे तीसरी शादी कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है, और जब उसे रोकने की कोशिश की जा रही है तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित महिला समीरा ने बताया कि मेरी शादी जावर महल निवासी समीर अबू से 5 साल पूर्व हुई है, जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है। अब समीर तीसरी शादी करना चाहता है, यही नहीं वह मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। 7 महीने पहले मेरे साथ भी मारपीट की, तब भी से मैं पीहर रह रही हूँ। जब मुझे पता चला कि समीर तीसरी शादी कर रहा है तो मैंने इसका विरोध किया, तो वह मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित महिला ने कहा कि उसके पति समीर अबू ने उससे लाखों रुपए ले रखे हैं, यही नहीं उसके जेवर भी उसी के पास है। इस पूरे मामले की मंगलवार को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला समीर के भाई ने कहा कि उसकी बहन को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, साथ ही बार बार पैसे की भी डिमांड की जाती रही है। समीर अबू जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जावर माइंस के, मेरी शादी उनसे 5 साल पहले हुई थी। वो जो है अब उनकी सेकेंड शादी थी मेरे साथ, जो उनकी सेकंड शादी थी, वो अब ये चाहते हैं कि मैं 5 साल बाद बोर हो गया हूँ, अब मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ 5 साल बाद मेरे साथ। अब मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे तलाक दूंगा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ और मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, और मैं शादी करके जबलपुर से लड़की लेके आ रहा हूँ। बताइए ये सब मैं कैसे होने दूँ? मुझे अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों में जाना है, बच्चों के साथ रहना है। वो आदमी मुझे कह रहा है तुझे जान से मार डालूंगा अगर तू घर वापस आए। मुझे उदयपुर, मेरे 3 बच्चे हैं जो उनकी पहली वाइफ के हैं, जो वो भी इन्हीं बातों से हर्ट होके परेशान होके इनकी वो जहर पी के मर चुकी, सुसाइड कर चुकी है वो। इन्होंने दिया है, पता नहीं उन्होंने दिया है या मारी है उसको, मतलब हाँ, जहर दिया गया है। अभी भी मुझे मारा पीटा, 7 महीने पहले घर से निकाल दिया, और मैं 7 महीने से अपनी माँ के घर थी, और साथ मेरे इनका वेट करती रही, शायद आएंगे लेने और बोलेंगे कि मैं अब ये सब कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये शादी वादी लड़कियाँ वड़कियाँ सब छोड़ दूंगा, तो अपना आराम से घर रहे। लेकिन वो और शादी कर रहे हैं। जब मुझे ये बात का पता चला कि ये शादी कर रहे हैं तो मैं भागी चली, परसों आई हूँ मैं, तो मुझे घर में घुसने नहीं दिया गया। मुझे ये बात अभी 1 हफ्ते पहले पता चली है। नहीं, मेरे से कोई डिमांड तो किसने, उन्होंने पैसे ले रखे हैं मुझसे, मेरे से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, मेरा अपना जो मैं शादी पर लेकर आई थी वो भी ले रखा है, और मैं अपने घर से जो जेवर लेके आई थी वो भी मैं घर पर रखे छोड़ गई थी। अब ये थोड़ी था, इतना जेवर मैं कहाँ लेकर जाती। थाने में आई थी मैं रिपोर्ट कराने की मुझे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, मारपीट के मुझे घर से निकाल रहे हैं। 2 बार मैंने कोशिश की, 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ घर में घुसने की, और मैं यहाँ पर मदद के लिए आई हूँ, तो ये लोग भी मेरे साथ सही इनका व्यवहार नहीं है। जब आपको ये बात पता थी उन्होंने पहली बीवी को जेल देके मारा है, उसके बाद आपने उनका, वही मैं बताना चाह रही हूँ, इनका साला आया था हमारे यहाँ शादी पे ये बताने के लिए कि मेरी वाइफ के दिमाग में कुछ कमी थी, इसलिए उसने उसके चलते सुसाइड कर लिया। लेकिन शादी के बाद हकीकत का पता चला। सास भी आई थी, ससुर भी आए थे, सब थे। मेरे हस्बैंड का नाम समीर अबू है, जो माइनिंग करते हैं जावर माइंस में, कॉन्ट्रैक्टर हैं, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर। अब घर तो सीए सर्कल में है, सेक्टर 14 नियर सामुदायिक भवन। जी, मेरी बहन को 5 साल हो गए हैं शादी को, और जो है ये लोग जो है उसको, मैं उनका भाई हूँ अपनी बहन का, मेरा नाम सुहेल है, और हम यूपी में रहते हैं, मुजफ्फरनगर रहते हैं, और इन्होंने मेरी बहन को शुरू से ही बहुत परेशान कर रखा है, और पैसों की डिमांड करते हैं, कभी मारते हैं पीटते हैं। हस्बैंड ने परेशान कर रखा है, उसे मारते हैं पीटते हैं कई दफ़ा। मैंने सोचा कब घर बसा रहे, मैं इसको छोड़ के आया वहाँ पर। अब परसों फिर ये हुआ, जब मैं 7 महीने तक मैंने उसको बिठाए रखी अपने यहाँ, तो इन्होंने ना कोई फ़ोन करा ना खैर खबर ली, और मुझे फ़ोन पे धमकी दी कि अगर तू यहाँ लाएगा तो हम तुझे भी जान से मार देंगे, तू यूपी का रहने वाला है 1000 किलोमीटर का, तू यहाँ आके कुछ नहीं कर सकता है हमारा, और जो है अगर यहाँ आएगा तुझे हम जान से मरवा देंगे या मार देंगे हम तुझे, तू आके दिखा उदयपुर के अंदर। मैं फिर आया अपने उस पर, आया बलबूते पर, आने के बाद इनके घर गया, तो घर आके सास ने जो है बेल्ट निकालती इसका गला पकड़ लिया मारने के लिए। फिर मुझे भी उन्होंने जो है 2 रैपट मारे, बल्कि उनकी जो कॉलोनी में है, बल्कि मेरे ये चोट भी लगी हुई है ये रही,
ये चोट लगी हुई है मेरे। मैं उनकी कॉलोनी में गया, वहाँ के जितने आस पड़ोस के हैं सारे बाहर आ गए निकल के। उन्होंने सब कुछ ड्रामा दिखाए और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा मुझे, बहुत कहने लगा यहाँ से भाग जा वरना मैं जो है तुझे जान से मार दूंगा। और अभी भी मुझे अपनी जान, उसने मारपीट भी करी मेरे साथ और मुझे धमकी भी दी, और अभी भी मुझे अपनी जान का खतरा है बहुत ज़्यादा। मेरी बहन का भी जान का खतरा है, मेरा भी जान का खतरा है। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे पी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी मोतियाबिंद नाखूना नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजिंग, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉरपोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान, कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330।